Hello everyone, today we are going to learn coding for kids. आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कोडिंग हम किस तरह से करेंगे या बच्चों के लिए कौन सा कोडिंग्स या कौन से कोडिंग स्किल सूटेबल हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर गिवेन व्हाट इज कोडिंग. सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कोडिंग होता क्या है. ओके, सो हियर कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, कोडिंग क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं. ओके, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम कोडिंग्स को लिखते हैं. ओके, हियर एवरी लाइन ऑफ कोड टेल्स द कंप्यूटर टू डू समथिंग. ओके, अगर हम कोई भी कोड्स लिखते हैं या प्रोग्राम्स लिखते हैं कंप्यूटर में, तो क्या करते हैं हम? एक तरह से कंप्यूटर को हम ऑर्डर देते हैं उस इंस्ट्रक्शंस को या उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए. ओके, तो कोडिंग्स बेसिकली क्या होती है? कोडिंग्स एक प्रोसेस होती है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम लिखते हैं. ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, मींस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ओके, कोडिंग करने से पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए. जैसे कि प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं? कोड्स को लिखते हैं या कोड्स को हम कंप्यूटर में लिखते हैं. ओके, उसे जब हम किसी कोड्स को कंप्यूटर में लिखते हैं तो उसको एक तरह से हम इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं. ओके, दैट जो कि टेल ए, जो कि हमें ए बताता है कि कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क. कोड या इंस्ट्रक्शंस हमें बताता है कि कंप्यूटर एक्चुअली कैसे काम करता है. ओके, तो प्रोग्राम क्या होते हैं? प्रोग्राम एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स प्रोग्राम या कोड को कंप्यूटर में लिखते हैं. ओके, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, इसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग. ओके, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? बेसिकली हमें कोई भी कोड्स लिखने के लिए एक तरह का या इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम क्या कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोड्स को लिख सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं. ओके, कोडिंग्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई तरह के आते हैं, कई तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं. ठीक है, बट बेसिक या मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, हम जब भी अपने लाइफ में कोडिंग करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम सी प्रोग्राम को या सी प्रोग्राम से हम शुरुआत करते हैं. ओके, जो किड्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वह सी प्रोग्राम्स को या सी प्रोग्राम से अपना कोडिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, और यह जान सकते हैं कि सी प्रोग्राम कैसे काम करता है. ये काफ़ी ईजी होता है. ओके, और इससे आप लोग अच्छे से सारे जो इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, या हम कहें कि जो इसकी बेसिक्स है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले आप सी प्रोग्राम से अपना कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, कोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? आपको टर्बो सी प्लस प्लस का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको आपको अपने पीसी में इंस्टॉल करना होगा. ओके,
या आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो एंड्रॉयड वर्जन भी आता है, उसको आप आसानी से डाउनलोड करके अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ही इसकी सी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सेकेंड आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++। ओके, इसको हम एक तरह से सेकेंड स्टेज बोलते हैं। ओके, जब हम पूरी तरह से सी का बेसिक्स पढ़ लेते हैं और हमें यह जानकारी हो जाती है कि एक्चुअली में प्रोग्राम्स या कोड्स किस तरह यूज होते हैं, तो हम सेकेंड स्टेज पे हमें C++ भी पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो हम C++ का भी नॉलेज लेते हैं। ओके, तीसरा आता है पाइथन। ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिकली आप इसका यूज करके वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं या एंड्रॉयड ऐप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज करेंटली इज पाइथन। ओके, पाइथन का यूज़ करके आप किसी भी एरिया में जा सकते हैं। ओके, और पाइथन जो है ये ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होता है, जैसे कि हम रोबोट्स बनाने में। ओके, रोबोट्स के ब्रेन को डिज़ाइन करने के लिए किस तरह से एक्चुअली ब्रेन या रोबोट्स के ब्रेन काम करते हैं, हम इसके थ्रू क्या करते हैं, पाइथन के थ्रू हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको हम फीड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको स्टार्टिंग करने हैं कोडिंग, तो सबसे पहले आप सी प्रोग्राम से स्टार्टिंग करिए। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर सी एग्ज़ाम्पल। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं सी एग्ज़ाम्पल सी हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, यानी हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का एग्ज़ाम्पल देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली में कोड्स किस तरह दिखते हैं, प्रोग्राम किस तरह दिखते हैं। ओके, प्रोग्राम एक्चुअली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह दिखते हैं। ओके, यह एग्ज़ाम्पल बेसिकली सी प्रोग्राम का है। ओके, तो इसमें सबसे पहले दिया जाता है, हम इस प्रोग्राम का यूज करेंगे हेलो वर्ल्ड को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए या हेलो वर्ल्ड को शो करने के लिए। ओके, तो इसके लिए बेसिकली हमें कुछ कोडिंग करने पड़ते हैं, कुछ प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं। ओके, तो आइए हम लोग एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है हैज़ इंक्लूड studio.h। ओके, यह हेडर फाइल है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ये इनबिल्ट होता है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे पहले तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, और कोई भी कॉमा या सेमी कॉलन अगर इसमें छूट जाती है प्रोग्राम में तो वो एरर दिखा देता है। ओके, तो इसके बाद होता है इंट मेन। ओके, ब्रैकेट ओपन, प्रिंट, हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है, डिस्प्ले द स्ट्रिंग इनसाइड कोटेशंस, कोटेशंस के अंदर क्या दिखाना है हमें, हेलो वर्ल्ड दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट अप, यानी प्रिंट हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, देन हम रिटर्न हो जाएंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो हमें जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो इस तरह से दिखेगा। ओके, एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप सी प्रोग्राम का यूज करेंगे, टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, ठीक है, ये क्या है, टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप डाउनलोड करके टर्बो C++ सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो वहाँ पर इस तरह का यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा आपको। ठीक है, यहाँ पर दिया रहेगा फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल। ओके, ये ढेर सारे ऑप्शन दिए रहेंगे और यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर कोडिंग करने के लिए एरिया दिया जाता है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह हम लोगों ने पहले देखा प्रोग्राम्स को। ओके, यहाँ पर भी सेम प्रोग्राम दिया गया है और हेलो वर्ल्ड को क्या कर रहा है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को रन करा रहा है। ओके, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, तो सबसे पहले आप किड्स के लिए सबसे पहले क्या होगा, सी प्रोग्राम से स्टार्ट करें, बेसिक स्टार्ट करें। ओके, सी प्रोग्राम होता क्या है, सी प्रोग्राम का यूज क्या होता है, ठीक है, सी प्रोग्राम का हम लोग बेसिकली यूज क्यों करते हैं, इन सारे सवालों को जवाब पहले आपको ढूंढना होगा। जैसे कि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ओके, सी प्रोग्राम का यूज क्या होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी सी प्रोग्राम्स का अभी करंटली यूज़ कर रही है। ओके, वेबसाइट्स भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी डिज़ाइन कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जिस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट है आप इसके थ्रू जा सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप बेसिक्स जान सकते हैं कि एक्चुअली जो
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वह कैसे काम करती हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।